भारत ने दी चीन को मुंहतोड़ जवाब। अग्नि 5 के परीक्षण के बाद भारत भी हुआ शामिल महाशक्तिशाली देशों में। अब डरना चाहिए चीन और पाकिस्तान को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे भारत द्वारा बनाई गई ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि 5 के बारे में। तो वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सफर शुरू करते हैं। 27 अक्टूबर 2021, ये दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन भारत ने अपने ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया और कामयाब भी रहा। अग्नि 5 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। इस मिसाइल को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 3 जहां कंबशन चैम्बर रखा गया है, जहां फ्यूल को ऑक्सीजन की मदद से जलाया जाता है। फ्यूल जलने के बाद थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस करता है। जब थ्रस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है, तब मिसाइल ऊपर की तरफ उठने लगता है। स्टेज 2 मिसाइल का एक अहम हिस्सा है। फ्यूल और ऑक्सीजन के कंटेनर्स यही रखा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो हमारे वातावरण में है ही, फिर क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है? आपको बता दें, क्योंकि कंबशन चैम्बर में वातावरण से भरपूर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। साथ ही जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। अगर हम माउंट एवरेस्ट के पीक की बात करें तो वहाँ सिर्फ 7% ही ऑक्सीजन देखने को मिलता है। यही कारण है कि हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। स्टेज 1, जिसे हम वॉरहेड भी कहते हैं, यहाँ न्यूक्लियर को रखा जाता है। ये मिसाइल का बहुत सेंसिटिव हिस्सा होता है, जिसके टकराने से मिसाइल में विस्फोट हो जाता है और प्लग झपकते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। इन 3 हिस्सों को मिलाकर किसी भी मिसाइल को तैयार किया जाता है। अग्नि 5 के टेस्टिंग के बाद भारत ने भी महाशक्तिशाली देशों के साथ अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। इस मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है और 99% एक्यूरेसी के साथ ये किसी भी क्षेत्र को बहुत आसानी से तबाह कर सकता है। इसे हम भारत का पहला ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, ब्रह्मास्त्र दुनिया के किसी भी कोने में तबाही का तांडव कर सकता है, वही काबिलियत अग्नि 5 की भी है। आपको बता दे, ये मिसाइल APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से बंगाल की खाड़ी में दागा गया था। ये आइलैंड उड़ीसा के पश्चिम हिस्से में स्थित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के गौरव प्रेसिडेंट थे, जो साल 2002 से 2007 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने भारत को बहुत उपलब्धियां दिलाई। ये एरोस्पेस साइंटिस्ट तो थे ही, साथ ही अमेरिका के नाक के नीचे से इतिहास रच दिया। हम बात कर रहे हैं पोखरण में किए न्यूक्लियर टेस्टिंग की। किसी भी हथियार का परीक्षण भयानक हो सकता है। यही कारण है इसे ऐसी जगह पर परीक्षण किया जाता है जहां आबादी ना हो, और इसको संचार अनुभवी लोगों की देखरेख में किया जाता है। अग्नि 5 27 अक्टूबर को शाम के करीब 8 बजे लॉन्च किया गया था, जो साउंड की स्पीड को पीछे छोड़ते हुए ये मिसाइल बहुत तेजी से अपने टारगेट को हिट किया था। चूंकि ये जानलेवा हो सकता है, इसलिए पहले ही उस एरिया में ना जाने की हिदायत दी गई थी। भारत को अग्नि 5 तक पहुंचने में 15 साल का सफर तय करना पड़ा। अग्नि 1, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर थी, इसमें समय के साथ बदलाव किया गया और धीरे धीरे हर वर्जन के साथ हम बेहतर होते चले गए। इस लंबे सफर में हमने काफी कुछ देखा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन अपनी दृढ़ निष्ठा के साथ हम आगे बढ़ते रहे। आपको जानकर खुशी होगी कि अग्नि 5 के जरिए हम चाइना या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जब चाहे जहां चाहे इस मिसाइल को उतार सकते हैं। यही कारण है कि चाइना और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे रोक लगाने की बात कर रहा है। लेकिन चाइना के अल्ट्रासाउंड मिसाइल टेस्ट करने के बाद, जो कि अपने टारगेट से 30-40 किलोमीटर दूर गिरा था, UN में बात नहीं रख सकता। आपको जानकर हैरत होगी कि 1978 में जब इंडिया और पाकिस्तान ने अपने मिसाइल टेस्ट किए, पूरी दुनिया खौफ में आ गई थी, क्योंकि हमारा इतिहास अच्छा नहीं रहा। और अगर एक बार फिर ये युद्ध होता तो इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलता। इसीलिए UNSC ने रेजोल्यूशन नंबर 1172 पास किया। इस बैठक में 15 मेंबर्स थे, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के मिसाइल टेस्टिंग पर रोक लगा दी। लेकिन इसके बावजूद आज हम बिना खौफ के अपने मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का सबसे एडवांस मिसाइल शाहीन 3 है, जिसका रेंज 2700 किलोमीटर बताया जा रहा है, जो हमारे अग्नि 5 से बहुत पीछे है, जो पूरा मिडिल ईस्ट कवर करता है। हालांकि चाइना के पास डोंगफेंग 41 मिसाइल है, जो 12,000 किलोमीटर की रेंज रखता है, और वो दिन दूर नहीं जब भारत भी चाइना को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे बढ़ चुका है कि बाकी मिसाइलों के मुकाबले अग्नि 5 का परीक्षण 7 गुना पहले किया, जो 1.5 टन का वॉरहेड लिए साउंड की स्पीड से 24 गुना तेज ट्रैवल करता है। इस मिसाइल को DRDO यानी डिफेंस रिसोर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जो बहुत एडवांस मिसाइल है। अग्नि 5 बेटर हैंडलिंग ऑफर तो करता ही है,
है। साथ ही इसमें लेस मेंटेनेंस और फास्ट ऑपरेशन देखने को मिलता है। ये बाकी मिसाइलों की तरह रेल का मोहताज नहीं, इसे बड़े आराम से रोडवेज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और साथ ही किसी भी कनिस्टर से बड़े आराम से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने से पहले ट्रेजेक्ट्री की मैक्सिमम हाइट तक जाता है और फिर अपने टारगेट की तरफ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण का यूज करता है। इस एनर्जी को यूज करते हुए ये मिसाइल अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है ताकि हमें एक्यूरेट और सक्सेसफुल रिजल्ट मिले। हालांकि भारत अपने टेक्नोलॉजी और हथियारों को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करता है, ये किसी अन्य देश की तरह विवादित टिप्पणियां नहीं करता, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने शस्त्र इस्तेमाल करने से पीछे भी नहीं हटता। लेकिन हम उम्मीद करते हैं दुनिया में शांति बनी रहे और हमें इस मिसाइल को यूज करने की जरूरत न पड़े। हम बुद्धिजीवी को ये भी सोचना चाहिए युद्ध के बाद कैसा माहौल रहेगा, साथ ही इसका हमारे पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। जहां पहले ही सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में क्या होगा अगर चारों तरफ तबाही और धुआं देखने को मिले। हर इंसान की जान कीमती है, चाहे वो किसी भी देश का हो, लेकिन जरूरत है तो कदम से कदम मिलाकर चलने का, न कि नफरत और जलन का भाव लिए हाथ मिलाने की। हमारी धरती पहले ही घुटन की सांस ले रही है, जरूरत है हाथों में हथियार की जगह पेड़ पौधे लेने की, ताकि हमारी धरती को फिर से एक साफ और शुद्ध हवा मिल पाए। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि धरती से हम हैं, हमसे धरती नहीं। हमारे अस्तित्व से पहले भी ये धरती थी और हमारे अस्तित्व के बाद भी ये धरती रहेगी। हम आपको बता दें, भारत के एक हाथ में पेड़ तो दूसरे में न्यूक्लियर है। अब चुनाव हमारे साथी देशों को करना है कि वे किस तरह का भारत देखना पसंद करेंगे और आने वाले वक्त में किस तरह का योगदान देखना चाहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।